भारत पर हमला करने से पहले अब दुश्मन को एक बार नहीं हजार बार सोचना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह से दुनिया की महाशक्ति बनकर उभर रहा है उसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। 22 सालों की मेहनत रंग लाई है। आग दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने में भारत पूरे दमखम से जुटा है। भारत ने अपनी शौर्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक और नया कीर्तिमान गढ़ा है, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने अपने लिए आसमानी सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीएमडी के दूसरे चरण के सफल परीक्षण से दिखा दिया कि चीन हो या पाकिस्तान परमाणु हमले की गीदड़ भभकी नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए यह परीक्षण काफी अहम था। जब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत जानेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने टारगेट पर ले जाने में सक्षम होती हैं। ऐसी मिसाइल की मदद से दुश्मन अपने देश में बैठकर हाइपरसोनिक स्पीड से किसी भी देश पर हमला कर सकता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक सुरक्षा कवच है, जो प्रमुख शहरों को ऐसे हमलों से बचाता है। चीन पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बीएमडी को छू तक नहीं पाएगा। फिलहाल ये चुनिंदा देशों के पास ही बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिसमें अमेरिका, रूस, इजराइल और अब भारत भी इस मिसाइल सिस्टम की ताकत से लैस हो चुका है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो स्वदेशी तकनीकों के साथ इसे विकसित किया गया है। चीन और पाक की मिसाइलों से यह सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह मिसाइलों को ध्वस्त कर देगा। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपना काम करती हैं। लड़ाकू विमान से भी सुरक्षा मिलेगी। बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करेगा। 22 सालों से रक्षा कवच पर काम कर रहा है भारत। भारत ने साल 2000 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ के जरिए विकसित करना शुरू किया था। ये वो दौर था जब चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे। माना जाता है कि साल 2010 तक इस फेज को भारत ने हासिल कर लिया। इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच तैयार किए। इसके बाद भारत ने दूसरे फेज के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना शुरू किया। इंटरसेप्टर AD-1 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले गया है। देश के सभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें शामिल हैं। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत को आसमान में एक और कवच मिल गया है। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस टेस्ट को करने के लिए देश में अलग अलग स्थानों पर मौजूद सभी मिसाइलें डिफेंस सिस्टम के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार रणनीतिक लिहाज से भी देश में अलग अलग खुफिया स्थानों पर तैनात किए गए हैं।